हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? होप से भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। ये देखिए, एक पुशी कैट बैठी हुई है मेरे गार्डन के ऊपर दीवार पर। तो आज हम करेंगे थोड़ी सी साफ़ सफाई अपने गार्डन में। कई दिनों से मैं सोच रही थी सफाई करने की, बस थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो अपने गार्डन में साफ़ सफाई ज़रूर करें, क्योंकि साफ़ सफाई करना गार्डन में बहुत ही ज़रूरी होता है। प्लांटों को एक जगह से दूसरी जगह सरका के आप थोड़ी सी उसके नीचे से सफाई कर दें। 15-20 दिन में नहीं तो आप 2-3 महीने में भी कर सकते हैं, पर बहुत ही ज़रूरी होता है। ये देखिए, टिकोमा की बेल में जो है वाइन में फ्लावरिंग हो चुकी है, और बहुत ही इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। बहुत सारे फूल आते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है, ग्रीन और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन। यदि आप भी इस तरीके की वाइन लगाना चाहते हैं तो ये बहुत ही परमानेंट प्लांट होता है और बहुत ही खूबसूरत है। जो प्लांट है अपने आप से बिना केयर के चलने वाला प्लांट है, यदि आप लगाना चाहते हैं तो इस प्लांट को ज़रूर ऐड करें अपने गार्डन में, और फ्लावरिंग तो आपको पूरा ही साल देता है। तो आज मैंने जो है इस स्टैंड को नहीं, पूरी जो है मेरे गार्डन को, जो होम गार्डन है उसको है मैं सफाई करूंगी, और इतना ही हो पाएगा आज तो, क्योंकि जो है छोटे छोटे पोट और बड़े पोटों को सरकाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो बाहर की सफाई हम कभी फिर करेंगे। तो मैंने सभी पोट हैं हटा दिए हैं, क्योंकि जो छोटे मोटे पोट हैं एक साथ मेरे को एडजस्ट करने हैं। और ये देखिए, ऊपर की तरफ मैंने ये इन प्लांटों को एडजस्ट कर दिया है, और कुछ प्लांट ये जो कोने में रखे हुए थे इन्हें मैंने निकाल लिया है कॉर्नर से, और अब मैं दूसरा जो पोट है उसको रखूँगी वहाँ पर। क्योंकि जो हमें प्लांट है देखने पड़ते हैं किस प्लांट को धूप चाहिए, किस प्लांट को जो है धूप नहीं चाहिए, तो इस तरीके से हमें अपने प्लांटों को है जो एडजस्ट करना पड़ता है। ये देखिए, सिंगोनियम की बेल है जो इस तरीके से फैली हुई थी, तो मैंने एक रस्सी की सहायता से इसको बांध दिया है, जिससे कि ये चारों तरफ फैले ना और मेरे जो पोट है दूसरे पोट को कवर ना करे, क्योंकि ये जो है सभी पोट्स को, साइड वाले पोट्स को कवर किए हुए थी, और जो प्लांट रखने में बहुत सारी दिक्कत हो रखी थी। ये देखिए, डमकेन का प्लांट है, इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है देखिए, और मैं इसको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करूँगी, क्योंकि ऊपर जो है मैंने स्टैंड बनाया हुआ है, उस स्टैंड की वजह से इस प्लांट की ग्रोथ है जो रुक जाएगी। तो मैंने ऊपर की तरफ देखिए सभी पर्पल कलर के जो प्लांट है वो रख दिए हैं एक साथ, छोटे छोटे प्लांट पोट मेरे रख दिए हैं। आप भी इस तरीके से कबाड़ का जुगाड़ करके जो है हैंगिंग, आपके पास जगह की कमी है तो बना सकते हैं जो स्टैंड है। ये देखिए, ये मेरा स्टैंड है, ये भी मैंने बिल्कुल ही कबाड़ से बनाया हुआ है, जो मेरे पास फ्री का मटेरियल पड़ा हुआ था उसी से मैंने इस तरीके का स्टैंड बनाया हुआ है। आपके पास भी जगह की कमी है तो इस तरीके से जो स्टैंड बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में, वो वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो इस तरीके की जो सभी पत्तियाँ वगैरह निकलती है और कूड़ा वगैरह, जो भी मिट्टी वगैरह जो हमारे पोर्ट्स के नीचे इकट्ठा हो जाती है, तो उनकी मैं कर देती हूँ आज सफाई, और बहुत ही प्यारा लगेगा गार्डन देखने के बाद। और मैंने जो इन प्लांटों को देखिए कर दिया एडजस्ट, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, जो मैंने ये डमकेन का प्लांट यहाँ इस कॉर्नर में रख दिया, क्योंकि इसकी ग्रोथ है बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, अब ये ऊपर की तरफ है जो ग्रो नहीं कर पाता, मैं वहीं पर छोड़ देती थी, क्योंकि ऊपर स्टैंड लगा हुआ था जो काट का है मेरा। और ये जो है सिंगोनियम की बेल मैंने बांध दी है, और जिसके कारण मेरे 2-3 पोट है छोटे छोटे वो इसके पास आ गए हैं। देखिए, देखने पर कितनी खूबसूरत लग रही है बांधने के बाद भी। और ये देखिए, छोटे छोटे पोट है मैंने आगे की तरफ रख दिए हैं, बड़े पोट पीछे रख दिए हैं। तो थोड़ा सा प्लांट को आपको देखना पड़ेगा किस तरीके का प्लांट है, किस तरीके की इसको धूप या छांव चाहिए, तो हमें उसी तरीके से एडजस्ट करना पड़ता है प्लांट को। ये स्नैक प्लांट छांव में रखे हुए थे पहले, इनको मैंने इस स्टैंड पे रख दिया है, क्योंकि वहाँ पर धूप है जो मनी प्लांट के कारण नहीं जा पा रही थी, तो इस कॉर्नर में मैंने स्नैक प्लांट को रख दिया है। और सभी प्लांटों में इस तरीके की जो पत्तियां होती है ख़राब हो जाती है, सड़ गल जाती है, तो उन्हें आप भी अपने जो प्लांटों में से निकालते रहे। मैं डेली ही 1-2 प्लांट में जो दिख जाती है पत्तियां निकालती रहती हूँ। ये सिंगोनियम की वाइन भी देखिए जो है किस तरीके से जो है कटिंग से ही ग्रो की थी मैंने, और बहुत ही अच्छे से जो है चल रही है। और सभी प्लांट मैंने इस स्टैंड पे एडजस्ट कर दिए हैं, जिन्हें छांव की ज़रूरत थी, जिन्हें कटिंग लगाई थी, जिन प्लांटों में कुछ कटिंग मैं लगाती हूँ इस तरीके के डिस्पोजर गिलास में,
एक तो जगह की कमी के कारण छोटे छोटे पोर्ट्स हैं उन्हें रखने में बहुत ही आसानी होती है, क्योंकि जो बड़े पोर्ट हैं उनमें हम आसानी से इस तरीके के जो छोटे छोटे पोर्ट होते हैं, कंटेनर होते हैं, उन्हें हम अपने दूसरे पोर्ट में रख सकते हैं। तो हमारी जगह की भी बचत हो जाएगी और हमारा जो है प्लांट भी सेफ़ हो जाएगा, क्योंकि जो कटिंग होती है उन्हें छांव की ज़रूरत ज़्यादा होती है। ये देखिए कैना लिली का प्लांट मैंने यहाँ पर लगा दिया था, और ये देखिए तुलसी को मैंने यहाँ से इकट्ठा करके बांध दिया, क्योंकि तुलसी भी नीचे की तरफ झुकी हुई थी। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है, जो स्टैंड पे मैंने छोटे छोटे पोट है, कंटेनर है, वो ऊपर की तरफ लगा दिए हैं, और जो जेड प्लांट है जिन्हें धूप की ज़रूरत थी, स्नैक प्लांट है, उन्हें इकट्ठा लगा दिया है, क्योंकि इस तरीके के ही प्लांट लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं धूप में, जो धूप में चलते हैं। तो इसीलिए मैंने इनको सभी को इकट्ठा करके लगा दिया है। और ये जो कैन था तेल का, उसको मैंने ऊपर हैंग कर दिया है बोतल को, पहले ये नीचे की तरफ रखी हुई थी। और ये पीवीसी पाइप से बनाया था, जो ये मैंने मॉन्स रोज लगाया इसमें, इसको धूप की ज़रूरत थी, वहाँ पर धूप कम पड़ रही थी, तो मैंने इस तरफ इसको लगा दिया है। और जो सूज थे दोनों इकट्ठा कर दिए हैं। तो ये दो तीन प्लांट तो यहीं पर ही रखे हुए थे, और सभी को मैंने एडजस्ट किया है, बस इनके नीचे से सफाई की थी। और ये देखिए ये यहाँ पे लगा दिया है, जो मेरी शैम्पू की बोतल से मैंने DIY बनाया था, इसको इस तरफ हैंग कर दिया है, जो मैंने कल ही जो है तैयार किया था प्लांटर और पोट। और ये पहले के ही दीवार पे लगे हुए थे, आपके पास भी जगह की कमी है तो इस तरीके से दीवार पे जो छोटी छोटी केन बोल्ट तल वगैरह का जो है इस तरीके से हैंग कर सकते हैं आप। वो ये मेरे गार्डन से निकला हुआ जो कूड़ा कूड़ा है, और ये देखिए अभी मैं सफाई नीचे की करूँगी, ऊपर की ही सफाई की है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो, यदि चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना। और ये भी वो आपको मैं दिखा रही हूँ सफाई के बाद का है, और देखो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये मनी प्लांट की जो जड़ें हैं देखिए किस तरीके से लहरा रही है, आप यदि कटिंग से लगाना चाहते हैं तो आप इस मौसम में सीजन में ज़रूर लगा लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।